हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुल्लू जिला के आनी विधानसभा क्षेत्र के निर्मण खंड के दौरे के दौरान 234 करोड़ रुपए के उद्घाटन व शिलान्यास किए, जिनमें निर्मण बस अड्डा समेत विभिन्न विभागों के 31 योजनाओं के उद्घाटन और आधारशिला रखी गई। उन्होंने निर्मण के कपूरधार में 72वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ करते हुए कहा कि इस वर्ष प्रदेश भर में 1,40,00,000 पौधे रोपित करने का लक्ष्य रखा गया है। आज और कल दो दिनों में प्रदेश भर में 11,00,000 पौधे रोपित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत एक अभियान के रूप में एक बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए की गई है। वनों के संरक्षण में वन विभाग के साथ स्वयं सहायता समूह, महिला मंडल तथा अन्य मंडल महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हिमाचल राज्य के 50 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भर के सभी पंचायतों के 8,700 वार्डों में हर वार्ड में 51 पौधों के हिसाब से पौधे रोपित किए जाएंगे। इसके अलावा रेड क्रॉस भी 1,00,000 पौधों को रोपित करने में अपनी भागीदारी निभा रहा है। उन्होंने कहा कि वन संरक्षण की दिशा में अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और हिमाचल का पर्यावरण अच्छा है, इसलिए देश दुनिया के लोग हिमाचल को उपयुक्त डेस्टिनेशन मानते हैं। तारी हिमाचल प्रदेश में बढ़ रही है। अब की बार जो हमारा हिमाचल प्रदेश में जो लक्ष्य है उसमें दो दिन में 20 और 21 तारीख को जो हिमाचल प्रदेश में जो प्लांटेशन का हमारा टारगेट है वो टारगेट 11,00,000 का है उसमें। और उसमें मैं विभाग को बधाई देना चाहूँगा कि बहुत बेहतरीन ढंग से ये इन लोगों ने इस कैंपेन को प्लान किया है और अब की बार इन्होंने इस बात को भी सुनिश्चित किया कि रेड क्रॉस को भी एक टारगेट दे करके 1,00,000 का टारगेट दे करके वो भी इसमें सहभागिता अपनी निभाएंगे। और दूसरी बात, एक और चीज़ को लेकर के जो हमने जो बातचीत की है और उसमें उसको लेकर के विभाग आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अब की बार हमारा स्टेटहुड का जो 50 साल पूरा हुए हैं, 51वें वर्ष चले हैं और जो जितने भी वार्ड्स हैं हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के वार्ड्स हैं, हर एक पंचायत में 51 प्लांट्स का हर वार्ड में देने का हमने निर्णय किया है। वो जहाँ प्लांट